गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 इन इंग्लिश फॉर क्लास 12th, पीसीएम ग्रुप एंड कॉमर्स ग्रुप। नाउ यू कैन सी हियर लेटर राइटिंग। यू हैव रिटन मेनी लेटर्स फ्रॉम क्लास 6 टू 10th एंड आल्सो इन 11th क्लास। नाउ you can see here letter is different form among the other forms of writing। हम बहुत सारी चीजें लिखते हैं, नोटिस लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, मैसेज लिखते हैं, उन सभी में लेटर भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेटर राइटिंग में सबसे अहम है कि हम उसको कैसे लिखें, उसका फॉर्मेट कैसे बने। लेटर राइटिंग इज एन आर्ट। लेटर राइटिंग एक अपने आप में कला है। उसको किस तरह से हम उस व्यक्ति के लिए तैयार करें जिसको इसे पढ़ना है, जिस तरह से हम बात करते हुए अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक अच्छी भाषा शैली का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी तरह से पत्र को लिखते समय भी हमें एक अच्छी भाषा शैली का प्रयोग करना होगा। व्हाइल राइटिंग ए लेटर We must always think of the person to whom we are writing। जिस समय हम पत्र लिख रहे होते हैं हमें उस व्यक्ति के बारे में अच्छी तरह से विचार कर लेना चाहिए जिसको हम पत्र लिख रहे हैं। The subject matter no doubt is important। किसी भी लेटर में जो सब्जेक्ट मैटर आप लिखते हैं वो महत्वपूर्ण होना चाहिए, तभी उसका अलग प्रभाव पड़ेगा। We must write about it in a way which will make the letter interesting to the person receiving it। जो व्यक्ति उस पत्र को प्राप्त कर रहा है उसको वह पत्र रोचक लगना चाहिए। इसमें ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे हम अपने पत्र को प्रभावशाली बना सकते हैं। फर्स्ट, सेंडर एड्रेस। जो पत्र लिख रहा है अर्थात हमारा एड्रेस, उसमें सबसे पहले ऊपर होना चाहिए राइट द हाउस नंबर फर्स्ट, देन द रोड लोकेशन सिटी एंड द पोस्टल कोड। ये सब चीजें उस लेटर की स्टार्टिंग में आ जानी चाहिए। आफ्टर दैट सेकंड पॉइंट है द डेट जस्ट बिलो द सेंडर्स एड्रेस। जो सेंडर्स का एड्रेस है उसके ठीक नीचे डेट आनी चाहिए। दीज डेज मार्क्स और पंक्चुएशन आर नॉट यूज्ड। यहां पर आप जो दिन लिखते हैं या डेट लिखते हैं वो पंक्चुएशन के साथ अच्छे ढंग से होनी चाहिए। 20 मार्च 2022 कोमा लगाकर फिर उसने 2000 आगे 22 लिखना है। 20th मार्च 20 के साथ TH को जोड़ना और फिर मार्च लिखना। ये डेट लिखने के अलग अलग मेथड बताए गए हैं। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, जो उस पत्र को प्राप्त करता है उसका एड्रेस उसमें आ जाना चाहिए। द नेम उसका नाम, डेजिग्नेशन उसका पोस्ट क्या है। रिसीवर जो उसे प्राप्त करेगा इज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड टू लाइन्स बिलो द लाइन ऑफ डेट। डेट के ठीक नीचे दो लाइन छोड़कर फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे जिसको ध्यान में रख के हमने पूरा लेटर तैयार किया है। द सब्जेक्ट हेडिंग कैन बी रिटन आफ्टर द रिसीवर्स एड्रेस और इवन आफ्टर द सॉल्यूशन। इट शुड गिव एन इंस्टेंट आइडिया द थीम एंड शुड नॉट बी रिटन इन मोर देन वन लाइन। ये जो आपका सब्जेक्ट है वो एक लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए और आपका उसमें पूरा विचार स्पष्ट हो जाना चाहिए। द सॉल्यूशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड बिलो द रिसीवर एड्रेस द यूजल फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन इन सर। सर के रूप में, मैडम के रूप में, और अधिक व्यक्ति हैं उस संस्था में तो सर के साथ एस जोड़कर, और मैडम अधिक हैं तो मैडम के साथ एस जोड़कर द
दोनों ही है तो सर एंड मैडम दोनों लिखे जा सकते हैं। इस तरह से हम लेटर की शुरुआत करते हैं। द बॉडी कंटेंट ऑफ द लेटर, जो आपके लेटर की बॉडी है, मेन पॉइंट्स जिसमें आने हैं, उसको कैसे लिखा जाए। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द लेटर। मेंशन ए स्पेसिफिक बिजनेस ओनली जनरली टू और थ्री पैराग्राफ फ्रॉम द बॉडी ऑफ द लेटर। इसमें दो तीन पैराग्राफ में आप अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखते हैं। फर्स्ट में क्या करते हैं, द फर्स्ट पैराग्राफ हैज द इंट्रोडक्शन ऑफ पर्पज ऑफ राइटिंग द लेटर। तो जिस उद्देश्य से वह पैराग्राफ लिखा जा रहा है वो पहले सॉरी जिस उद्देश्य को लेकर वह पत्र लिखा जा रहा है वो फर्स्ट पैराग्राफ में आ जाना चाहिए। द सेकेंड पैराग्राफ हैज द डिटेल अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ द सब्जेक्ट और मेन इन्फॉर्मेशन। सेकेंड पैराग्राफ में आप जो समस्या है उसका विस्तार लिखेंगे, जिस विषय पर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सूचना देना चाहते हैं, उसके बारे में लिखेंगे। और थर्ड पैराग्राफ में द फाइनल पैराग्राफ डील्स विद द सजेशन टुवार्ड्स द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। और उसके लास्ट के पैराग्राफ में जो आपने समस्या रखी है उसके संदर्भ में आपके क्या समाधान हो सकते हैं उनको भी लिख सकते हैं, और जो समस्या आई है उस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है उसके लिए भी आप कोई सुझाव दे सकते हैं। लास्ट में क्लोजिंग सेंटेंस, सिंपल वन टाइम क्लोजिंग सेंटेंस इज जनरली नेसेसरी टू कंक्लूड द लेटर्स। लेटर को समाप्त करते समय वहां पर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए कि पूरे पत्र को पढ़ने के बाद उसे एक सांत्वना, एक कंसोलेशन मिलनी चाहिए। दिस लाइन शुड बी रेलिवेंट टू द कंटेंट ऑफ द मैसेज। जो आप मैसेज संदेश देना चाहिए उससे संबंधित ही यह पंक्ति होनी चाहिए। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून। आप उसमें बता सकते हैं कि आप शीघ्र ही मीटिंग में आप मिलने वाले हैं, या ए प्रॉम्प्ट रिप्लाई वुड बी अप्रिशिएटेड। आप प्रशंसा में एक प्रॉम्प्ट कोई संदेश भी छोड़ सकते हैं। प्लीज लेट मी नो इफ यू नीड एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन। यदि आप देखते हैं कि उसमें कोई सूचना देने का विषय है तो उसके लिए भी लिख सकते हैं कि आप मुझे बताएं मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। द सबस्क्रिप्शंस आल्सो कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज ए फॉर्मेट लेटर कैन बी एंडेड विद योर्स फेथफुल्ली और योर्स सिंसियरली। राइट योर्स विद ए कैपिटल वाई एंड फाइनली और सिंसियरली विद ए स्मॉल एफ और एस रेस्पेक्टिवली। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 9 पर, सिग्नेचर। द सेंडर्स फुल सिग्नेचर कम्स एट द एंड ऑफ द लेटर। जो पत्र लिख रहा है उसका सिग्नेचर पत्र के अंत में आ जानी चाहिए, फिर उस सेंडर्स का नेम आ जाना चाहिए जो पत्र भेज रहे हैं। द सेंडर्स नेम शुड बी क्लियरली मेंशन बिलो हिज हर नेम। अपने नाम के नीचे अपना सिग्नेचर कर दीजिए। एनक्लोजर्स एंड पोस्ट स्क्रिप्ट लास्ट में आप क्या करेंगे, ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एनक्लोज्ड विद द लेटर। जो पत्र के साथ आपने अलग डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं उनका विवरण भी उस पत्र में नीचे की ओर दिया जाना चाहिए। अब एक इसका फॉर्मेट देखेंगे और एक एग्जाम्पल देखेंगे कि लेटर को हम कैसे लिख सकते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर एक फॉर्मेट दिया गया है, इन द बिगिनिंग सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, रिसीवर एड्रेस, डेजिग्नेशन एंड एड्रेस ऑफ द रिसीवर, सब्जेक्ट, सॉल्यूशन, डियर सर मैडम करके जो भी आप लिख सकते हैं लेटर के अकॉर्डिंग। और फिर नेक्स्ट है पार्ट सेकंड में मेन बॉडी ऑफ द लेटर। जैसा भी हमने जिक्र किया है, बॉडी ऑफ लेटर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर मेन कंटेंट, फिर उसका कंक्लूजन जो भी निकलता है वो लिखेंगे। और पार्ट थर्ड कॉम्प्लीमेंट्री कोड में योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए आप अपना नेम, अपने सिग्नेचर यहाँ पर देंगे। इस तरह से ये लेटर यहाँ पर तैयार हो जाता है। एक एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, उसे आप देख सकते हैं। ये मैं आपको सेंड भी करूंगा। राइट ए लेटर टू द रीडर
ऑफ द इंडियन टाइम्स जयपुर हाईलाइटिंग द नीड टू टैप द स्पोर्ट्स टैलेंट एट ए यंग एज बाई स्पोर्ट्स टीचर्स कोचर्स एटसेट्रा सो दैट इट डज नॉट गो अनरिकॉग्नाइज्ड दस वी शैल हैव ए लार्ज पूल ऑफ यंग टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन्स हु कैन बी गूम्ड यू आर पूर्वा पारस 78 इंटरप्टेड जयपुर 120-150 मार्क्स। यहाँ पर आप 120 से 150 शब्दों में एक पत्र लिखेंगे, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। इन द बिगनिंग यू कैन सी हियर द एड्रेस ऑफ सेंडर 78, इंद्रापुरी जयपुर 20th March 2022। द एडिटर द इंडियन टाइम्स सब्जेक्ट यहाँ पर देंगे नीड टू टैप द स्पोर्ट्स टैलेंट एट ए यंग एज। सर थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू हाईलाइट द नीड फॉर एनकरेजिंग द हैबिट ऑफ स्पोर्ट्स टैलेंट एट ए यंग एज बाय स्पोर्ट्स टीचर्स। इस तरह से आप इस पूरे लेटर को तैयार करेंगे, मैं आपको सेंड कर देता हूँ। इसके अलावा और 3 लेटर मैं भेजूंगा, वे सभी आपकी नोटबुक में होने चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन डिस्कस विद मी एट इवनिंग 6 PM to 7 PM। ओके, थैंक यू वेरी मच।